दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 और 10 अप्रैल 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले ये दो दिन कैसे रहेंगे और इन दो दिनों में आपके जीवन में किस तरह के बदलाव होंगे, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग बनेंगे और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा, सभी कुछ जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ में मित्रों, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें। तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 और 10 अप्रैल 2021 के तुला राशि फल के बारे में। ये दो दिन क्या खास परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आए हैं, कौन कौन सी खुशखबरियां हैं जो इन दो दिनों में आपको मिलने वाली हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा की स्थिति यहाँ 7वें भाव में होगी और 7वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए ये जो दिन होंगे, ये दो दिन, ये आपके लिए इतने भाग्यशाली दिन साबित हो सकते हैं कि अब आपको लगेगा जैसे ये दो दिन आपके लिए ही बने हैं। आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे इन दो दिनों में। जो भी आप काम करेंगे, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, वो काम आपके पूरे होंगे, उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी, मन बेहद प्रसन्न रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब चंद्रमा अच्छे भाव में होते हैं तो चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चंद्रमा यहाँ आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, आपकी सभी चिंताएँ दूर होंगी। इन दो दिनों में अपने विचारों को स्पष्टता से आप व्यक्त करने की कोशिश करेंगे और आपके जो विचार होंगे वो बेमिसाल होंगे, और ये विचार आप दूसरों के सामने रखेंगे तो वहाँ भी उनकी महत्वता देखने को मिलेगी, काबिले तारीफ होगी। और साथ ही देखिए, अगर कोई बात आप किसी से कहना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से कह सकते हैं, बस धैर्य के साथ और स्पष्ट से बोलें, तभी सब लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। और यदि किसी के साथ आपकी अनबन चल रही थी, विवाद की स्थितियाँ थी, तो वो भी आपकी दूर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा प्रयास और सारी परेशानियां खत्म करने के अलावा। इस समय देखिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा और किसी काम के लिए आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद भी कर सकता है। साथ ही कुछ लोग यहां आपसे सलाह मांगने भी आ सकते हैं, जिससे आपको बेहद प्रसन्नता होगी कि वो आप लोगों को सलाह देने के लायक हैं, उनका मार्गदर्शन आप करेंगे। और जो ये जो काम होगा, ये आपको एक नई पहचान दिला सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति आपको करा सकता है। दोस्तों, अब देखिए 10 अप्रैल की बात करें तो चंद्रमा आपके लग्न में विराजमान है, जिसकी वजह से आप बहुत ही आत्मविश्वासी रहेंगे, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। इसलिए अगर कोई कार्य आपको करना है तो आज किसी का भी वेट ना करें, उस कार्य की शुरुआत आप बेझिझक कर सकते हैं, खुद करें। तब देखिए, किसी ना किसी के पीछे ना पड़कर आपको अपनी बदौलत सब कुछ करना होगा और आपने अपनी बदौलत ही अभी तक सब कुछ हासिल किया है। दोस्तों, इसलिए अपने कार्य की शुरुआत आप खुद करें, जिससे आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध होंगे। और जैसा कि कहा कि ये दो दिन जो हैं, ये ऐसे दिन होंगे जो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं, क्योंकि यहाँ आपको भाग्य का साथ निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा, परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और जीवन साथी के साथ आप अपना समय काफ़ी हसीन लम्हे बिताएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपका पराक्रम भी बहुत अधिक बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके बल पर आप अपने सभी कामों को अंजाम दे पाएंगे। और वहीं देखिए, जो सबसे अच्छी बात होगी वो ये होगी कि यहाँ आपको एक ऐसे खुशी प्राप्त हो सकती है या कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उस समाचार को सुनकर आप तहे दिल से बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, इन दो दिनों में आपके लिए यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सुखद यात्राएँ साबित होंगी, आपकी आय में वृद्धि कराने वाली होंगी। और देखिए, अगर आप किसी भूमि में निवेश करना चाहते हैं, यानी भूमि से संबंधित कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो बेहद अनुकूल और मजबूत बनी हुई हैं, जिनका फायदा आपको इन दो दिनों में उठाना है। इस दौरान आपको अपने सभी काम में लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही देखिए, ये आप लोगों के लिए खरीदारी का योग भी बन रहा है, इन दो दिनों में खरीदारी हो सकती है,
वाहन, मकान या दुकान से संबंधित कोई खरीदारी आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, काफी दिनों से सोच रहे थे, तो बड़ा शुभ संयोग आप लोगों के लिए इन दो दिनों में बना हुआ है। इस समय की गई खरीदारी आपको बेहद प्रसन्न कर देगी, घर में खुशहाली लेकर आएगी। साथ ही ये समय ऐसा है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसलिए इन दो दिनों में आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। पुराने निवेश से भी कोई बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है, और अगर आपने इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई लंबे समय का निवेश कर रखा है, तो उस निवेश से अब आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसी पूरी पूरी उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं। आपकी कमाई में बढ़ोतरी के लिए नए नए मार्ग सामने आएंगे, इसलिए इस समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये जो समय है ये आपका है, और यहाँ आप जितना अधिक कार्य करेंगे, जितनी अधिक लोगों से डील करेंगे, प्रयास करेंगे, बात करेंगे, अधिक लोगों के ऊपर आपका प्रभाव होगा। आप प्रभावशाली रहेंगे, यानी आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। और पारिवारिक जीवन के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, रोमांस के लिए बड़ा अच्छा समय है। अब आपको वो खास मौका मिल सकता है जो आपको तनाव से काफ़ी राहत दिला सकता है। दोस्तों, अगर आप अच्छे मौके की तलाश में थे, तो वो मौका अब आपके हाथ आएगा। इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे से इन दिन को एंजॉय करें। सबका ध्यान अब आपके ऊपर केंद्रित होगा, क्योंकि आप में एक आकर्षण भी इस समय देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके मन पर भी एक ऐसी मुस्कान होगी जो आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में उभार कर लेकर आएगी। दोस्तों, इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता भी चरम पर होगी। आप बेहद बुद्धिमान व्यक्तियों में इस समय गिने जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसा कार्य होता है जो पूरा ही नहीं होता, लेकिन अचानक से उस कार्य को पूरा आप कर देते हैं, तब सबकी नज़र आप पर हो जाती है, आखिर ये कार्य कैसे हुआ। दोस्तों, कुछ इस तरह की स्थितियाँ आपके सामने निर्मित हो सकती हैं कि अगर कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम था या ऑफिस में कोई रुका हुआ अटका हुआ काम था, तो अब अचानक से उसको पूरा करते हुए आप दिखाई देंगे, उसमें सफलता मिलेगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी, जिसकी वजह से ये दो दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी सराहना की जाएगी, आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा ये समय आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है, इसलिए इन खुशियों को आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। हर पल का आनंद लें, हर पल को महत्वपूर्ण बनाएं, क्योंकि इस दौरान आप बेहद आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको बाहर के खाने पीने से इस समय परहेज जरूर करना होगा। तले भुने भोजन से, चटपटे मसालेदार भोजन से आपको दूर रहना है। खासतौर पर वो व्यक्ति जो 50 से ऊपर की उम्र के हैं, उनका पेट खराब हो सकता है, इसलिए सादा और पौष्टिक भोजन करें जो आपके लिए उपयुक्त है, वो आपको तंदुरुस्त रखेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं आने देगा। बाकी इस दौरान आप अपनी सेहत को लेकर बड़े प्रसन्न रहेंगे। आपकी स्थिति बेहद अच्छी है, जिससे आप चुस्ती और फुर्ती दोनों का अनुभव करेंगे। अपने कामों को जल्दी जल्दी आप निपटा लेंगे। इन दो दिनों का फायदा आपको उठाना है। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो भी ग्रह हैं वो आपके अनुकूल बने हुए हैं। चंद्रमा भी बेहद शुभ स्थिति में है, इसलिए बच्चों का जो मन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। पढ़ाई की तरफ आप अग्रसर होंगे, आप अपना मन पढ़ाई में लगा पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे, यानी कुल मिलाकर ये समय अपने शिक्षा को देंगे। दोस्तों, दोनों ही दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। जो भी आप अपनी एजुकेशन को लेकर निर्णय लेंगे, वो निर्णय भी आपको आपके अच्छे होंगे, और आपको इन निर्णय से सफलता हाथ मिलेगी। इस राशि के जो है हर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, वो इस समय किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी की लगने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। अगर कोई पार्ट टाइम आप जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। देखिए, इस राशि के जो जातक डेली इनकम वाले हैं, उन लोगों को इन दो दिनों में बहुत अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। यानी अगर आप दुकानदारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दुकानदारी आपकी तेज़ी से चलेगी, क्योंकि स्थितियाँ बेहद अनुकूल बनी हुई हैं। जब स्थितियाँ अनुकूल बनती हैं तो हर तरफ से आपको प्रॉफिट लाती हैं, इसलिए इन दो दिन का भरपूर फायदा आपको उठाना है। दोस्तों, प्रेम जीवन की बात करें, तो प्रेम जीवन में इन दो दिनों में काफी अच्छा समय रहेगा। सुखित आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। घर परिवार में काफी अच्छा माहौल बना रहेगा। माता पिता, भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके काम में भी आपको आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप काफी प्रसन्न होंगे। रिश्तों में एक नई मिठास आएगी इस समय। नए रिश्तों में नए रंग भरने का ये समय है। ये दो दिन आपके लिए ही बने हैं, इनका आप पूरा पूरा फायदा उठाएं। जितना हो सके उतना अधिक आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, अपने काम, अपने परिश्रम जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ आपके लिए बेहद शुभ बनी हुई हैं। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय, इस उपाय को आप जरूर करिएगा।
प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये उपाय करने से सारा दिन सकारात्मकता आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।